हिंदी है हम, हिंद है हम। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरिओम वीर। और आज सुबह से ही जब मैं सोशल मीडिया पे तमाम तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख रहा था, कई लोगों की हिंदी दिवस को लेकर शुभकामनाएं दी जा रही थी। लेकिन हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन शुभकामनाएं देने से ही हिंदी का बोलबाला कायम नहीं हो सकता है। तो मैं आज हिंदी दिवस पर एक बात तमाम लोगों से, जो हिंदी पढ़ते हैं, सुनते हैं और हिंदी बोलते हैं, और जो लोग सिर्फ हिंदी दिवस पर शुभकामनाओं तक ही सीमित है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी भाषा हिंदी है तो हम हिंदी बोलने में झिझकते क्यों हैं, हिचकिचाते क्यों हैं? अधिकतर आपको ज्ञानी बताने की होड़ में हम हिंदी से बीच बचाव का रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि फख्र से हमें हिंदी बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जबान है, मातृभाषा है। अपनी भाषा बोलकर हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और हिंदी बोलने के लिए लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की हिंदी भाषा का बोलबाला कायम हुआ है। कई देशों में हिंदी के लिए अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाए जाते हैं जहां पर हिंदी सिखाई जाती है। उसी तरह जैसे अंग्रेजी के लिए हमारे देश में कई तरह के संस्थान चलाए जा रहे हैं उस भाषा को सीखने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी से लोग प्रभावित होते हैं। जो हिंदी नहीं जानते वो भी सुनते हैं और समझने की कोशिश जरूर करते हैं। तो जरा बताइए कि हम इससे कतराते क्यों हैं? किसी ने इन्हें क्या खूब कहा, हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है, वहीं अंग्रेजी एप्पल से शुरू होकर जेड फॉर जेब्रा बनाकर छोड़। मेरा किसी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि हिंदी ज्यादा से ज्यादा बोले, हिंदी ज्यादा से ज्यादा सुने पढ़े, क्योंकि हिंद है हम, वतन है हम, हिंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस चैनल पर आने वाली तमाम अपडेट से आप जुड़े रह सकें।